गुजरात वालों बस करो यार। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं नहीं यार, मतलब दोबारा से ट्रॉफी जीतने का पूरा मूड है तुम्हारा, किसी दूसरी टीम को भी मौका दे दो। गुजरात ने राजस्थान को घर में घुसकर मारा है, और ऐसा मारा है कि एक तो राजस्थान की गर्मी गर्मी में राजस्थान को पेला और फटके हो गई थेला। माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। लेकिन मैं मजाक में, खैर पांड्या का अजेरत जारी है और वो सब पे भारी है। IPL 2023 में पांड्या एंड कंपनी घर में घुसकर पेलने लग रही है। दिल्ली को दिल्ली में, पंजाब को मोहाली में, लखनऊ को लखनऊ में, KKR को कोलकाता में, और इसी कड़ी में राजस्थान का नाम भी जुड़ गया है। GT ने राजस्थान को सिर्फ 13 ओवर में हरा दिया। कल गुजरात और राजस्थान के बीच IPL 2023 का 48वां मुकाबला खेला गया। राजस्थान के कप्तान ने टॉस जीता लेकिन मैच जीतना भूल गए। कप्तान संजू सैमसन ने बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन आज राजस्थान के बल्लेबाज रन बनाने के मूड में ही नहीं दिखे। आलम यह था कि 11 में से 7 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाए। कप्तान संजू सैमसन 30 रन बनाकर टीम के टॉप स्कोरर बने। पूरी टीम 118 रन बनाकर 17.5 ओवर में ही सिमट गई। राशिद खान एक बार फिर से तुर्प का इक्का साबित हुए और 3 विकेट लिए। इसके जवाब में जब गुजरात उतरी तो राजस्थान ने भी एक बार सोचा होगा कि RCB और DC की तरह ये छोटा टारगेट डिफेंड कर लेंगे, लेकिन इनके साथ तो प्रैंक हो गया। प्रैंक हो गया आपके साथ। GT 13.5 ओवर में ही जीत गई, वो भी 1 विकेट के नुकसान पर। रिद्धिमान शाह ने नॉट आउट 41, कप्तान हार्दिक पांड्या ने नॉट आउट 39 और शुभमन गिल ने 36 रन बनाए। GT पहले ही टॉप पर थी और अभी टीम को पकड़ना काफ़ी मुश्किल लगता है। राशिद खान को मैन ऑफ द मैच दिया गया, और आज CSK और मुंबई के बीच मैच होने वाला है। आप कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं कॉमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो यार लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, ताकि कोई भी वीडियो की अपडेट आप लोग मिस ना कर सके। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए।